कुशल जनसेवक मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री मालवा से सांवेर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी, अशोक शर्मा जी, आशीष प्रताप सिंह जी, राजकरण सिंह भदौरिया जी, ब्रजराज सिंह कोमर जी, बी डी मिश्रा जी, लालता प्रसाद चतुर्वेदी जी, रामेश्वर सिंह राजपूत जी, रमेश सिंह सेंगर जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, श्रीमती शकुंतला सिंह परिहार जी, ब्रिजेंद्र सिंह कुशवा जी, आकाश श्रीवास्तव जी, प्रयाग सिंह तोमर जी, मनमोहन पाठक जी, मोहन विटवेकर साहेब, रामवीर सिंह तोमर जी, राकेश पचौरी जी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह तोमर जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक एवं अतिथि शिक्षक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान समान हमारे सभी गुरुजन जिनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं अभिभूत हूं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। मां सरस्वती की वंदना मानव जाति के जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे गुरुजनों के बीच में आज मुझे आप सबके साथ मिलने का एक मौका मुझे प्राप्त हुआ। मैंने सदैव माना है जिंदगी में सुबह हम उठकर पूजा अर्चना करते हैं हमारे देव देवताओं को, पर अगर इस पृथ्वी पर कोई देवी या देवता है तो इस पृथ्वी पर देवी और देवता के तीन रूप भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो मानव जाति में तीन देव देवताओं का आकार भगवान ने बनाया है। हमारे पहले देवता हैं हमारे जानदाता, हमारे चिकित्सक जो हमें जन्म देते, जीवन की यात्रा में भगवान न करे लेकिन कभी कोई बीमारी आई या कठिनाई आई, हमारी पहली वेदना, हमारी पहली गुहार हमारे चिकित्सक, हमारे डॉक्टर बिरादरी के प्रति होती है। हमारे दूसरे भगवान के रूप, पहला है जानदाता और दूसरा है हमारे ज्ञानदाता। हमारे शिक्षक जब कोई इस दुनिया में आता है बौद्धिक क्षमता की बढ़ोतरी के लिए, ज्ञान की तपस्या के लिए, उस ज्ञान की तपस्या मानव जाति में ग्रहण करना करवाना मेरे शिक्षकों के और मेरे ज्ञान दाताओं का वरदान है मेरे भाइयों। और हमारा तीसरा दाता है, पहला है जानदाता
दूसरा है ज्ञानदाता और तीसरा है हमारा अन्नदाता। हमारा किसान जिस देश को अपना अन्न विश्व से आयात करना पड़ता था, आज वही भारतवर्ष दूध के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में बन गया है। 110 मिलियन टन का उत्पादन होता है। आज वही भारतवर्ष, मैं निवेदन करूंगा हमारे पुरुषों से, कृपा करके जरा आप अगर कठिनाई ना महसूस करें तो आप उठ जाएं और हमारी मात्र शक्ति को बैठने का जगह दे दें। आइए आप, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान किया जाता है बोलो आप, हाँ वहां देवता विराजते हैं। हमारे ग्वालियर में और हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत माता के पृथ्वी पर सर्वप्रथम नारियों का सम्मान किया जाता है। मेरे दो जो भाई बैठे हैं यहाँ, जरा आप लोग भी उठ जाएंगे, आप अकेले पड़ गए हो, आप अल्पसंख्यक हो, जरा बहुसंख्यक को बैठने दो। और वैसे भी इस सभा में बहुसंख्यक मेरी नारी शक्ति है। हम पुरुषों को कभी नहीं लगा था कि हमारे लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा अल्पसंख्यक, पर इस कार्यक्रम में तो वास्तविक तौर से अल्पसंख्यक है और मैं अपनी मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूं। और ये असलियत भी है, मैं आपको कहूं बहनों माताओं, मैं जब स्कूल में था, मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई, मेरी पढ़ाई उत्तराखंड में हुई, जो उस समय उत्तर प्रदेश संयुक्त उत्तर प्रदेश होता था, और केजी से 12 नंबर के क्लास तक जो क्षमता हमारी महिला शिक्षकों की है अनुशासन बांधने के लिए और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, मैं क्षमा चाहता हूं पर हमारे पुरुष शिक्षकों में नहीं। देखो आप कितनी तालियां बजा रही हैं, ये कितने कंजूसी कर रहे हैं, चलिए बजाइए तालियां महिलाओं के लिए, बजाइए। और मैं चाहूंगा, आज मैं धन्य हूं, हमारे स्कूल मिश्रा जी हैं, हमारे विटवेटकर साहब हैं, हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं यहाँ जिन्होंने स्कूल्स की स्थापना की है। अब सामने तो हमारे महिलाएं बहुसंख्यक हैं पर मंच पे मेरी महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। मैं चाहूंगा कि अगले बार कार्यक्रम हो, हमारी महिलाएं मंच पे भी बहुसंख्यक हो। और क्यों ये भी मैं बता दूं, हम संकल्प ले रहे हैं, कल्पना ले रहे हैं कि भारत को विश्व पटल पर हमें नक्षत्र की तरह उभारना है, भारत को विकास और प्रगति के प्रतिस्पर्धा में आगे हमें बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को जो 11वें नंबर पे थी आर्थिक महाशक्ति के रूप में 2014 में, 9 साल के अंदर हमें 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि मेरी मातृशक्ति, मेरे गुरुजन चाहते हैं कि दिल मांगे मोर, सही है कि नहीं?
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर आज जो हम पांचवें नंबर पर हैं, 2030 तक हम जर्मनी और जापान को भी पिछाड़ के विश्व में 3 नंबर पर पहुंचने वाले हैं। और देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूं, माँ सरस्वती का ज्ञान आप में है, इंद्र देवता का आशीर्वाद भी आ रहा है। और जब इंद्र देवता का आशीर्वाद आता है, मतलब शुभ क्षण है। और कल देखो आप, और इसका प्रचार भी आप लोगों को अपने स्कूल में करना चाहिए, कल G20 का कार्यक्रम दिल्ली में शुरुआत की गई। 75 वर्षों में कभी भी भारत को यह सौभाग्य नहीं मिला है, केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत माता कर रही है। मेरे भाई और बहनों, अमेरिका नहीं, जर्मनी नहीं, इंग्लैंड नहीं, कोई और देश नहीं, लेकिन भारत माता अध्यक्षता कर रही है। आज पूरे विश्व के नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, सारे के सारे, पूरा विश्व, वासुदेव कुटुंबकम, सारे के सारे भारत में आके आज G20 में अपनी सदस्यता दे रहे हैं। तो भारत बढ़ रहा है, पर उसे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, हमारे अतिथि शिक्षकों ने, जब मैं टीकमगढ़ में गया था कार्यक्रम में 2018 में, एक मांग रखी थी और उनकी गुहार मैंने उठाई, और जब उनकी गुहार मैंने उठाई, जो कांग्रेस के नेता लोग जो वादा खिलाफी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा मुझे सड़क पे आ जाओ। मेरे अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, मेरे गुरुजनों के लिए, अगर उनका कोई अपमान करेगा तो सिंधिया परिवार का मुखिया सड़क पे जरूर आएगा। और मैंने तय किया, सड़क पे आकर या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे, पर मेरे अतिथि विद्वानों का और मेरे शिक्षकों का अपमान सिंधिया परिवार का मुखिया कभी सहन नहीं करेगा। और आज मुझे खुशी है, जो भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक शक्ति के अनुरूप कार्य करती है, उस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने मेरे बार बार निवेदन करने पर हमारे अतिथि शिक्षकों की हर मांग को पूरा करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों ने कांग्रेस के शासनकाल में कहा था उन्होंने कि हम 3 महीने के अंदर कदम उठाएंगे, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 18 महीने निकल गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया नहीं जाएगा, डबल किया जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पीरियड के आधार पर उनकी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी, पर प्रति माह ली जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि हमारे अतिथि शिक्षकों को हर वर्ष बोनस दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि अनुबंध जो हर महीने देखा जाता था, वो अनुबंध पूरे साल तक रखा जाएगा मेरे अतिथि शिक्षकों के। और आखिरी में नौकरी में आरक्षण जो केवल 25% था, नौकरी में आरक्षण का हक हमारे अतिथि शिक्षकों को 50% करा कर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे जानदाता, हमारे ज्ञानदाता और हमारे अन्नदाता, तीनों
का महत्व समझती है, उनको पूछती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये विश्वास में आपको बना। और आज मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन करते हुए मैं अपने सभी गुरुजनों के प्रति प्रणाम करते हुए ये विश्वास दिलाता कि आपके कंधों पर एक बच्चे का भविष्य निर्भर नहीं है, आपके कंधों पर एक शहर का भविष्य निर्भर नहीं है, आपके कंधों पर एक राज्य का भविष्य निर्भर नहीं है, आपके कंधों पर भारत माता का भविष्य निर्भर है। मेरे भाई और बहनों, और जब भारत माता की बात मैं कर रहा हूं, जो इस सफर पे आप और हम निकले हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत के अमृतकाल का स्वर्णम वर्ष निकल रहा है और अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर भारत को विश्व गुरु के रूप में आपको और हमें मिलकर स्थापित करना होगा। और अगर भारत को विश्व गुरु के रूप में आपको और हमें मिलकर स्थापित करना होगा तो इसकी सबसे अहम भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेरे शिक्षकों पर होती है, मेरे भाइयों से मेरे गुरुजनों पर होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा घर से निकलता है और जब बच्चा आपके शाला में आता है, जब बच्चा या बच्ची आपके क्लासरूम में प्रवेश करती है, वो आपके क्लासरूम में प्रवेश नहीं कर रही, वो अपने घर में प्रवेश कर रही है। समझ में आया? समझ में आया? मेरे कहने का क्या आश्चर्य? जब बच्चा घर से निकल के स्कूल में 8 बजे सुबह आता है, 4 बजे तक आप उनके माता, 4 बजे तक आप उनके पिता हैं। और ये मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जितने लक्षण, जितने संस्कार मुझे बड़े महाराज और वर्तमान की राजमाता साहब ने दी है, उतने ही लक्षण और उतने ही संस्कार मेरे गुरुजनों ने भी मुझे दिया। तो आपका परिवार मेरे माताओं, आपका परिवार मेरे भाइयों, आपका कुटुंब का परिवार नहीं है। अगर आप स्कूल चला रहे हो तो आपका परिवार वो 2 से 3 हजार या 200 से 300 बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपका परिवार है। अगर आप क्लास के शिक्षक हो, अगर आप क्लास के गुरु हो, तो आपका परिवार घर में बैठे हुए 6 या 8 सदस्य नहीं, लेकिन आपके क्लास में जो 40 बच्चे हैं वो भी आपका परिवार है। और अगर भारत माता को शक्तिशाली हमें बनाना, अगर भारत माता को वास्तविक तौर से विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करना, तो आने वाले पीढ़ी पर बौद्धिक क्षमता केवल नहीं लेकिन संस्कार, संस्कृति, मूल्य, सिद्धांत और दिल में ज्वालामुखी की तड़प की अलग कोई और नहीं जगाएगा, मेरे गुरुजन जगाएंगे। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उठो और चलो, नवीन भारत की कल्पना को साकार करने के लिए मेरे साथ संकल्प लो। और अगर आप तैयार हो तो हाथ उठाओ,
और मुट्ठी बांधो, हाथ उठाओ, एक हाथ से नहीं चलेगा भैया, मेरी आंखें बड़ी तीखी हैं। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद और जय मेरे गुरुजन।